वेरी गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग। स्टडी विद गौरव के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आने वाली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसकी नई डेट आ चुकी है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी रणनीति, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि 60 दिन ही बचे हैं। आने वाले 16 अगस्त को एग्जाम है, 60 दिन बचे हैं। कैसी रणनीति होगी, किन बुक्स को पढ़ना है, करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, इन सब जानकारी को लेने के लिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडी विद गौरव फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, बहुत ही ट्रेंडिंग में जो चल रहा है आज का टॉपिक, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने यूपी में आवेदन किया हुआ है। पोस्ट 309 पोस्ट है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, एक पोस्ट। ये पोस्ट ऐसे ही नहीं मिल जाएगी फ्रेंड्स, ये पोस्ट ऐसे ही नहीं मिलेगी। इसके लिए जो मैं रणनीति बता रहा हूँ और जो मैंने महसूस किया है कि ये बुक इसके लिए बहुत अच्छी है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एक पोस्ट पक्का मिलना तय है। तो देखिए 65 डे बचे, अगर मैं इसमें से 5 दिन घटा भी दूं तो 60 दिन अपने पास कहीं नहीं गए। 60 दिन, आज है अपने पास 11 जून। 11 जून की डेट को हटाने के बाद 12 जून से 15 अगस्त तक जो है 60 दिन लगभग बच रहे हैं। तो जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जो टॉपिक आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, हिंदी एंड साइंस, ये 3, 3, 6, 2, 8 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इन सब की आपको बुक्स बताता हूँ कि कैसे इसकी रणनीति बनानी है, कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए जो बुक आती है आधुनिक में, मॉडर्न में, अब मुझे तो इतना पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी तो चली रही है, तो आप इन बुक्स को एक बार पढ़ चुके हैं। रिवीजन के लिए मैं आपको बताऊंगा और जो नहीं पढ़ी है उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। मॉडर्न में जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है बिपिन चंद्र पाल की 1857 की क्रांति। बिपिन चंद्र पाल 1857, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सतीश चंद्रा एंशियंट में है। मिडिएवल में काफी सारी बुक्स है, परीक्षा वाली आप पढ़ सकते हैं, या यूनिक आती है, यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ज्योग्राफी में माजिद हुसैन प्लस महेश बंडवाल। इन बुक्स को अगर आपने पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, इसको एक महीने में पढ़ लेंगे पूरी, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है। एक महीने में आप पढ़ लीजिए, 2 महीना है आपके पास, 1 महीने में फिर से एक बार रिवीजन मार दीजिए और अगली बार एक बार फिर से उसके मोटी मोटी नोट्स बनाते जाइए, उसका पढ़ते जाइए। ईवीएस में परीक्षा वाणी बेस्ट बुक है। इकोनॉमी में ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आप वेबसाइट देखते जाइएगा, जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, उससे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि इतना बेसिक ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछेगा इस एग्जाम में। केवल जो नई नई योजनाएं बना रहे हैं यूपी गवर्नमेंट खासतौर से और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे स्कीम जो लाई गई है वो आरबीआई की पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। हमारा जो बजट आया है यूपी सरकार का और केंद्र सरकार का, उसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद यूपी स्पेशल परीक्षा वाली बेस्ट बुक है, हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन प्लस पीएस पांडे। और साइंस में जो बुक है वो एक तो यूनिक पढ़िएगा, साथ में यूनिक के साथ जो आती है घटना चक्र की बुक क्या है, जितने भी टॉपिक है सबकी अलग अलग मिल जाएगी, तो उसमें वो पढ़ेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बता देता हूँ। करंट अफेयर इसमें दृष्टि की प्लस, साथ ही साथ इसमें आप पढ़िएगा न्यूज़पेपर और एक जीके टुडे करके दृष्टि का ही प्रोग्राम है, उसको देखिएगा जीके टुडे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको अगर आपने पढ़ लिया, 60 दिन बचे हैं। देखिए 60 दिन में क्या करना है आपको, अभी से आप रिवीजन कर रहे हैं तो इन सबको पढ़ते जाइएगा। परीक्षा वाड़ी के जो लास्ट में एक पॉइंट दिए होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जरूर देखिएगा। और यूनिक पब्लिकेशन के लास्ट में लगभग 1000 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में दिए हैं, उनको पढ़िएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा। जब आपके पास 15 दिन बचे, 15 डेज, मतलब 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक आप प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल के यूपीपीसीएस और बीईओक्यू की पैटर्न एक सेम जैसे रहता, थोड़ा बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप 15 दिन में उनको कवर कर लीजिएगा। और अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानिए कि ये पोस्ट आपको मिलने वाली है। मैंने पहले के वीडियो डाले हुए हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे, जिसमें साइंस के टॉपिक भी हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक भी हैं, उस सब का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है, तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।